ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट नॉन नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर्स ऑफ वल्वा. नॉन नियोप्लास्टिक का मतलब है कि हमने वो क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो डिजीजेस हम पढ़ेंगे ये कैंसरस नहीं होंगे. दो हम लोग करते हैं. सबसे पहले होता है लाइकन स्क्लेरोसिस, उसके बाद हम दूसरी पढ़ेंगे. फर्स्टली लाइकन स्क्लेरोसिस में क्या होता है, एट्रॉफिक लेबिया. सबसे पहले अगर आपको बोला कि होता क्या है इसमें, तो एट्रॉफिया हो जाता है. एट्रॉफिया आपको पता है कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसकी वजह से वो डीजनरेट हो जाती है. डीजनरेशन बेसिकली होती है कि हमने उसको वो कर दिया, डिजनरेट कर दिया. ठीक है, ये याद आना चाहिए, लाइकन स्क्लेरोसिस नाम सुनकर. ठीक, तो इसमें क्या होता है, थिनिंग होती है एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है. अब मैं आपको एक बार पहले वो दिखा दूं कि एपिडर्मिस के जो लेयर्स होती हैं वो होती क्या है. तो फिर यू कैन सी हियर, ये देखो, ये एपिडर्मिस की लेयर्स हैं. स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोजम, स्पाइनोजम, बेजल, और फिर नीचे डर्मिस शुरू होती है. हमें पता है कि एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है. उसकी बाहर वाली लेयर्स में भी स्ट्रेटम मतलब लेयर होती है. लेयर्स कितनी लेयर्स होती हैं, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोजम, स्पाइनोजम और बेसल. सो इसका एक निमोनिक किया था मैंने, बहुत थोड़ा अजीब है, फनी. बॉस गए लेने कौन, ठीक है, बी से आता है हमारा बेजल लेयर, स्ट्रेटम बेजेले, बेजेल जो भी बोलना आपको. ये हमारे डर्मिस के सबसे क्लोज होती है, इसीलिए सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे, फिर आउटर में जाएंगे. तो बॉस का बी इज़ फॉर द बेसल एंड एस इज़ फॉर स्पाइनोजम. देन गए इज़ जी इज़ फॉर ग्रैनुलोजम. लेने एल इज़ फॉर ल्यूसिडम एंड कॉर्न इज़ कॉर्नियम. सो बेजल, स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम, ल्यूसिडम एंड कॉर्नियम, बॉस गए लेने कौन. ऑल राइट, देन हमने बात की यहाँ पे डिसअपेरेंस ऑफ रेटेपेग्स. अब रेटेपेग्स होता क्या है, ये होती हैं इनवेजिनेशन होती है एपिडर्मिस की, या तो डर्मिस के अंदर, ठीक है, या म्यूकस हम बोलते हैं. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यू कैन सी यहाँ पे. ये देखो, ये इनवेजिनेशन जो दिख रही है ना, एपिडर्मिस जो कि अंदर इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है, और ये एंड में होती है, मतलब कि एपिडर्मिस की बिल्कुल अंदर, ये बेजल वाले लेयर में. ठीक है, ये बेजल वाले लेयर है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ आपको दिख रहे हैं ये रेड रेड, यहाँ पे होगी और रेटेपेग्स. अब क्योंकि हमने बोला कि एपिडर्मिस इतनी थिन हो गई है कि जो रेटेपेग्स हैं वो डिसअपेयर हो गए हैं. क्या हो गए हैं, वो डिसअपेयर हो गए हैं. ये रेटेपेग्स ये ऐसे शेप में थे, यहाँ पे एपिडर्मिस थी, और यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे डर्मिस थी. ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एपिडर्मिस इतनी पतली हो गई कि थिनिंग हो गई उसकी, कि रेटेपेक्स की डिसअपेरेंस हो गई. देन जोन ऑफ ए सेलुलर. अब ए सेलुलर मतलब कि बिल्कुल ही खाली सेल्स मर रहे हैं, ठीक है, डिसअपेरेंस हो रही है, डी एट्रोफिया हो रहा है. डर्मल फाइब्रोसिस, जो डर्मल एरिया वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई, और इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट. अब इतना प्रॉब्लम आएंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, मतलब उसके सेल की इन्फिल्ट्रेट होगी. एट्रोफिड लेबिया, एट्रोफियाड लेबिया मतलब जो लेबिया जो स्किन है वो वाले रीजन में एट्रोफिया हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बाहर वाला एरिया है वहाँ पे एट्रोफिया हो रहा है, तो वेजाइनल ऑरिफिस, ये जो बाहर वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो ऑरिफिस है वो भी प्रॉब्लम होगी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वेजाइनल ऑरिफिस कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि ये उसका जो ये वाला एरिया, सपोज ये वेजाइना है, ठीक है, ये उसका ऑरिफिस है, उसके साथ ही यहाँ पे वल्वा आ जाता है, तो वल्वा में कोई प्रॉब्लम आई, वल्वा में स्क्लेरोसिस या एट्रोफिया हुआ, तो ये वाले एरिया में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी बात, और वेजाइनल ऑरिफिस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी. मोस्ट कॉमनली किसे होता है, मोस्ट कॉमनली ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जिनको मेनोपॉज आ चुके हैं, वो वाली वुमेन जो कि 45+ होती हैं और या 50+, और प्री प्यूबर्टल गर्ल्स, जिनको प्यूबर्टी अभी नहीं आई, वो वाली गर्ल्स. ठीक है, मतलब एडल्ट्स जो फीमेल्स हैं उनको इतना कॉमनली अफेक्ट नहीं करता. और इसमें होता, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें, तो इसमें हमें ल्यूकोप्लेकिया दिखता है. ल्यूकोप्लेकिया, यस, ल्यूकोप्लेकिया. व्हाट इज ल्यूकोप्लेकिया, LUK, ल्यूकोप्लेकिया. दिस, ये होते हैं वाइट वाइट पैचेज होते हैं, लेट मी शो यू, वाइट वाइट पैचेज आ जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये देन इसका जो कॉज है वो मेनली हमें नहीं पता, हम लोग इतने उससे नहीं कहते कि हाँ यही है, लेकिन कहते हैं कि प्रेजेंस होती है, जो ये वाला एरिया होता है वहाँ पे टी सेल्स की प्रेजेंस होती है, और जिनको ये होती है ये वाली प्रॉब्लम लाइकन स्क्लेरोसिस, वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के, तो उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाती हैं एकदम से. तो इन दोनों फैक्टर्स से सजेस्टिव है ये, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, हम बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इन दीज पीपल. तो
वो सजेस्ट करती है कि ऑटो इम्यून कोई इटियोलॉजी है, ऑटो इम्यून इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कोई रीज़न या कॉज इसका ऑटो इम्यून हो सकता है। ऑल राइट, तो ये हमने पढ़ लिया ऑल अबाउट लाइकन स्क्लेरोसिस जो कि नॉन न्योप्लास्टिक है। अब जो दूसरी है दैट इज़ लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। अब ये जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है इसमें क्या होता है, क्रॉनिकस से हमें पता लग रहा है कि क्रोनिक प्रॉब्लम है, ये रीज़न है हमारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्मेटाइटिस। ये क्रॉनिकली हम बोलते हैं कि जो क्रॉनिक काफ़ी टाइम से इन्फ्लेमेटरी डर्मेटाइटिस की वजह से क्या होता है कि बार 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 इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो आते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, उनकी वजह से क्या होता है स्टिमुलस मिलता है। वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं नॉर्मल, जो कि नॉर्मल जो कि सेल्स हैं उनको प्रोवोक करता है, उनको स्टिमुलस मिलता है और वो क्या करते हैं, वो अपनी माइटोसिस इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है वहाँ की माइटोसिस। क्यों हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स बार 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 बार, क्यों, क्योंकि क्रोनिक है। इन सब की वजह से माइटोसिस वगैरह सब इंक्रीज़ हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गई है, एपिथीलियल थिकनिंग हो गई है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लाइकन स्क्लेरोसिस में थिनिंग हो गई है, डिसअपेरेंस हो गई है, लेकिन ये उसका उल्टा है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। इसमें क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, एपिथीलियल थिकनिंग हो रही है, हाइपर कैरेटोसिस हो रही है। कैरेटोसिस क्यों, क्योंकि हमें पता है यही एपिडर्मिस वाली जो लेयर है वही कैरेटिन बनाती है, तो इसकी वजह से हाइपर कैरेटोसिस, मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ सेल ज़्यादा होंगे, माइटोसिस ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा बनेंगे तो कैरेटिन बनाने वाले भी बनेंगे, हाइपर कैरेटोसिस हो जाता है। एक बात और कि जो एपिथेलियल थिकनिंग हो रही है ये स्पेशली कौन सी लेयर की वजह से हो रही है, दैट इज़ स्ट्रैटम ग्रैन्यूलोसम। कौन सी लेयर, स्ट्रैटम ग्रैन्यूलोसम, और ये स्ट्रैटम ग्रैन्यूलोसम कौन सी लेयर है, हमने पढ़ी थी बॉस गए लेने कौन, बी बेसल, दिस इज स्पाइनोसम, दिस इज ग्रैन्यूलोसम। तो ये वाली थर्ड वाली लेयर, नीचे से थर्ड, ऊपर से भी थर्ड ही है क्योंकि ये दिस इज ल्यूसिडम एंड दिस इज कॉर्नियम। ऑलराइट, तो वो वाली ग्रैन्यूलोसम वाली लेयर, ठीक है, उसकी मेनली हाइपरट्रॉफी होती है। देन ल्यूकोप्लेकिया, हमने बोला वाइट पैचेज, वो मैंने आपको शो किए थे, वाइट पैचेज होते हैं दोनों में ही होते हैं। अब क्या होता है कि ये तो कैंसर है नहीं, ये तो नॉन न्योप्लास्टिक, हमने पढ़ा नॉन न्योप्लास्टिक, लेकिन क्या होता है कि जो कैंसर होता है ना वल्वा का कैंसर हम लोग पढ़ेंगे, वो जो कैंसर जहाँ पे होता है ये उसके मार्जिन पे, जैसे ये कैंसर हुआ उसके मार्जिन्स पे हमें ये मिलेगा, ये वाली डिजीज़ लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, मतलब हाइपरट्रॉफी जो है हमारी वो हमें उसके मार्जिन्स पे मिलेगी कैंसर के। ये हम लोग जब कैंसर पढ़ेंगे तब उसमें भी गिवन है कि किसके अराउंड होता है, कैंसर के अराउंड, ये हम तभी पढ़ेंगे। तो लाइकन स्क्लेरोसिस जो है ये वाला लाइकन स्क्लेरोसिस और ये जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमने बुक में लिखा हुआ है कि ये बोथ कैन को एग्जिस्ट, एक साथ एक ही एक टाइम पे हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे, तो उसको और दोनों को ल्यूकोप्लेकिया हो रहा है। हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम उसको डिफ्रेंशिएट एक ही बेसिस पे कर सकते हैं, दैट इज़ बायोप्सी। बायोप्सी से हमें पता लगेगा कि उसकी हाइपरट्रॉफी हुई है या उसकी थिनिंग हुई है, रेटेपेक्स है या नहीं। हिस्टोलॉजिकली हम बायोप्सी लेकर हमें पता लग सकता है, क्योंकि दोनों में ही वैसे ल्यूकोप्लेकिया हो रहा है अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो। ऑल राइट, सो या दिस वॉज ऑल अबाउट इट, नॉन न्योप्लास्टिक में लाइकन स्क्लेरोसिस और लाइकन सिम्प्लेक्स स्क्लेरोसिस में थिनिंग हो रही है, नेम से उल्टा काम, स्क्लेरोसिस में मोस्टली हम बोलते हैं ना थिकनिंग हो गई है, लेकिन इसमें थिनिंग हुई है, और सिंपल जो चीज़ है जो कि सिंपल होनी चाहिए लेकिन नहीं सिंपल नहीं है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है, उसमें थिकनिंग हो रही है। तो ये दो चीज़ें हैं, दिस इज ऑल अबाउट नॉन न्योप्लास्टिक डिसऑर्डर्स ऑफ वल्वा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू।